वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ और सिर्फ कैसे आप दो लहसुन से कर सकते हैं वशीकरण। जी हाँ, दो लहसुन की आपको कलियां लेनी है और इससे होगा प्रचंड वशीकरण। तो इसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप सिर्फ दो लहसुन की कलियों से कर पाएंगे प्रचंड वशीकरण। इसको करने का तरीका बेहद आसान है। आपको बस क्या करना है, आपको लेनी है दो लहसुन की कलियां इस तरह से, और उसके बाद आपको इस पर ही करना है ये वशीकरण। उसके बाद आपको दूसरी चीज जो लेनी है वो लेना है एक धागा। जी हाँ, एक धागा ले लीजिए, जो कि आपको करीब करीब 1 मीटर का धागा आपको लेना होगा। तो इस तरह से आप इसे तोड़ लीजिए और उसके बाद आपको एक मंत्र है जो करना होगा, और इस मंत्र के द्वारा आप कर पाएंगे प्रचंड वशीकरण। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वशीकरण करने से हमारे रुके हुए काम जो है वो पूरे हो जाते हैं, तो आज मैं आपको जो वशीकरण बताने जा रही हूँ, ये वशीकरण उन लोगों के लिए है जो कि अपनी प्रेमिका को मनाना चाहते हैं, किसी रूठे हुए को मनाना चाहते हैं, या फिर किसी महिला को अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। वशीकरण करने के लिए बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मन में कोई भी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, बस आपको इतना ध्यान रखना होगा। अब आपको ये मंत्र है, इस मंत्र को पढ़ना होगा और साथ ही साथ इस लहसुन के ऊपर इस धागे को लपेटते जाना होगा। जी हाँ, 108 बार आपको इसे पढ़ना है और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो बस आपको यही करना है कि आपको इस आसान से मंत्र को बोलना है और साथ साथ आपको ये धागे को इसके ऊपर लपेटते जाना है। जी हाँ, बस ये याद रखिएगा कि ये आपको 108 बार इस मंत्र को पढ़ना है और 108 बार में 54 बार आपको करना है इसके ऊपर और 54 बार करना है इस दूसरी कली के ऊपर। तो दोनों को लेकर आपको इस तरह से करते जाना है। ये मत देखिएगा कि पूरा धागा खत्म हो गया। अगर आपका धागा खत्म हो भी जाता है तो आपको क्या करना है कि इस कली के ऊपर जो आपने धागा लपेटा होगा उस धागे को आपको खोलना है और दूसरे पर लपेट देना है। बस कहने का मतलब यह है कि 108 बार आपको इस मंत्र को इन दोनों के ऊपर पढ़ देना है, और जब आपका ये 108 बार आप पढ़ चुके होंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको अपनी प्रेमी या प्रेमिका के ऊपर वशीकरण के लिए इस्तेमाल करना है। जी हाँ, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जब आपके मंत्र पूरे हो चुके होंगे उसके बाद आपको जाना है अपनी प्रेमिका के घर के पास, और वहां पर किसी भी जगह पर जाकर पेड़ के नीचे आपको इसको खोदकर, जमीन खोदकर वहां पर दबा देना होगा। इस तरह से आपका जो कार्य है वो हो जाएगा। जी हाँ, आपका कार्य होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपकी प्रेमिका स्वयं आपके पास दौड़ी चली आएगी, आपको कॉल करेगी, आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी। तो मैं अब आपको बताती हूँ क्या है तरीका इसको करने का। जो मंत्र है, मंत्र आप याद कर लीजिए, मंत्र है 3 बार सिर्फ आपको बोलना है, त्रीम त्रीम त्रीम। जी हाँ, और उसके अलावा आपको इसको लपेटना है। तो आप बोलेंगे त्रीम त्रीम त्रीम, 1 बार लपेटा, त्रीम त्रीम त्रीम, 2 बार लपेटा, त्रीम त्रीम त्रीम, 3 बार, त्रीम त्रीम त्रीम, 4 बार, त्रीम त्रीम त्रीम, 5 बार। ऐसे करके आपको 108 बार इसको इस पर लपेटना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 54 बार इस पर और 54 बार इस पर, और इस तरह से लास्ट में ये दोनों के दोनों बंधे हुए होंगे, तो इस तरह से दोनों पर धागा लिपटा होगा, 54 बार इसके ऊपर, 54 बार इसके ऊपर, और उसके बाद आपको धागे और लहसुन को एक साथ ले जाकर जमीन खोदकर वहां पर गाड़ देना है। जब आप वापस आ रहे होंगे आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधा अपने घर पर आना है, हाथ मुंह धो लेने हैं, फ्रेश हो जाना है, और आप देखेंगे आपकी प्रेमिका आपको स्वयं आपको कॉल करेगी। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसे करने में कोई समस्या आती है तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं।